अगर आप माइनिंग मटेरियल सप्लाई जैसे कि रेत गिट्टी या फिर किसी भी ऐसे माइनिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, चाहे आपकी पर्सनल ट्रैक्टर हो या फिर आपका कोई भी चार पहिया वाहन हो जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन माइनिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी गाड़ी में ई खनिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। सो आज के इस वीडियो पे मैं आपको ई खनिज रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा, कैसे आप ऑनलाइन अपनी गाड़ी का, अपने ट्रैक्टर का, अपने ट्रक का, किसी भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ई खनिज के अंतर्गत, जिसका यूज करके आप किसी भी माइनिंग मटेरियल की सप्लाई करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कैसे आपको ई खनिज रजिस्ट्रेशन करना है। अपने मोबाइल फ़ोन या अपने डेस्कटॉप या फिर अपने लैपटॉप के गूगल के सर्च बॉक्स पे आपको टाइप करना है MP खनिज, देन इंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आती है http://ekhanij.mp.gov.in। यहाँ पर ई खनिज होम पेज मध्य प्रदेश, इस पर आपको क्लिक करना है। आप सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो जाएंगे ई खनिज की ऑफिशियल वेब पेज पर। ये मध्य प्रदेश ई खनिज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपने वाहन का ETP की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप खनिज की मात्रा बुक करने के लिए ETP बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं। अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ई खनिज में कर सकते हैं, तो सारी प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। अपनी गाड़ी का ई खनिज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है ई रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, जहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का एक कंसेंट होता है। यहाँ पर आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट किया, देन कंटिन्यू। इसके बाद आपको ये एक मिलेगा इज़ योर व्हीकल रजिस्टर्ड विथ RTO ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आपकी व्हीकल मध्य प्रदेश में RTO में रजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नो करेंगे और यहाँ पर आप गो पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी व्हीकल RTO मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, चाहे वो आपका ट्रक हो या फिर आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली हो या फिर कोई भी ऐसा वाहन हो जिससे आप ई खनिज जैसे कि गिट्टी रेत वगैरह सप्लाई का काम करते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, देन गो। आपके सामने व्हीकल रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, आपकी गाड़ी का, आपके व्हीकल का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं, इसके बाद ये सारी डिटेल्स जो हैं ऑटो फिल हो जाती हैं। आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका व्हीकल टाइप क्या है, लोडिंग कैपेसिटी क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल हो जाती हैं जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया तो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे वेयर व्हीकल इज़ टू बी रजिस्टर्ड फॉर मिनरल ट्रांसपोर्ट, यानी कि जहाँ पर भी आपकी गाड़ी चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, वो किस ज़िले में आपकी चलेगी, कहाँ पर आप मिनरल सप्लाई का या ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, वो ज़िला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर बहुत सारे ज़िला हैं, हम एक ज़िला कटनी सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर आपको ऑथर नेम, एप्लीकेंट नेम मिल जाएगा, यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि गाड़ी का टाइप क्या है, गाड़ी प्राइवेट इंडिविजुअल है या फिर कोई फर्म की है, पब्लिक कंपनी की है, जैसे कि हमने प्राइवेट इंडिविजुअल सिलेक्ट किया। देन इसके बाद आपको एक अपना कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, सब कुछ यहाँ पर आपको एक फिल कर देना है। कुछ भी आप एक दे सकते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे पैन कार्ड, तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर देंगे। देन यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, एक डेट देखने को मिलेगी। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है या फिर आपको प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में। एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो डेट मिलती है आपको एप्लीकेशन नंबर, वो आपको नोट कर लेना है। देन आपको अगेन होम पेज पे आना है।
होम पेज पे आने के बाद नीचे सिटीजन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये पब्लिक पोर्टल मिलेगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू एग्जिट का दो ऑप्शन है, देन आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर गाड़ी बनवाया था सतना डिस्ट्रिक्ट का, देन आपको एप्लीकेशन नंबर जो कि आपको मिला हुआ था और डेट यहाँ पर आप लिखेंगे, देन शो पे आप क्लिक करेंगे। फाइनली आपके सामने आपका मिनरल ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट शो होता है, जहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, देन गाड़ी का टाइप होता है, देन लोडिंग कैपेसिटी होती है, स्टेट होता है और उसका ओनर नेम होता है, आप कहाँ पर ये गाड़ी रन करेंगे, मिनरल सपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेंगे, ये सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। इस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट करके गाड़ी चालक को दे सकते हैं, कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार आप ई खनिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।